नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री बड़े बाबा वार्षिक महोत्सव का विशाल आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री बड़े बाबा मंदिर पावर हाउस रोड बरगेवा लखनऊ में बड़ी धूमधाम से आयोजित हुआ। श्री बड़े बाबा मंदिर के मुख्य सेवादार पवन तिवारी ने बताया कि यह आयोजन 3 दिनों से चल रहा है, जिसमें 28 अप्रैल को मन्नत यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे, जिसमें बड़े बाबा की रथ यात्रा बैंड बाजे के साथ निकल गई। इस यात्रा में 2 ऊंट और 3 घोड़े भी शामिल थे। यह यात्रा बड़े बाबा मंदिर से रवाना हुई और एसकेडी हॉस्पिटल होते हुए लोक बंधु हॉस्पिटल से स्प्रिगडेल स्कूल से सीएमएस रोड होते हुए बड़े बाबा मंदिर पर वापस आई। मुख्य सेवादार पवन तिवारी ने बताया कि 29 अप्रैल को बाबा का विशाल रात्रि जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा के भजनों का हजारों भक्तों ने आनंद लिया। यह जागरण रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चला, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने गणेश जी और भोलेनाथ जी और बड़े बाबा की प्रस्तुति की, जिसमें भक्तों को बहुत आनंद आया और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो काबिले तारीफ रहा। और सुबह 4 बजे बड़े बाबा की आरती के साथ जागरण का समापन हुआ। बड़े बाबा मंदिर के मुख्य सेवादार पवन तिवारी ने बताया कि 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कड़ी चावल का प्रसाद बांटा गया। यह भंडारा रात के 10 बजे तक चलता, जिसमें बहुत दूर दूर से भक्तों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ आपको बताते चलिए कि श्री बड़े बाबा मंदिर के मुख्य सेवादार पवन तिवारी ने कहा कि यह दूसरे साल का स्थापना दिवस आयोजन हुआ है। इस आयोजन में सभी सेवादारों के योगदान से यह संभव हो पाया, जिसमें भाजपा के महान कार्यकर्ता अनूप मिश्रा और मंदिर के सेवादार गणेश राणा, सौरभ, शैलेंद्र, दीपू, राकेश और कोमल का महान योगदान रहा। बड़े बाबा मंदिर के मुख्य सेवादार पवन तिवारी ने बताया कि इन सेवादारों के बिना ये इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम 3 दिन का कर पाना बहुत मुश्किल था। इन सेवादार और बड़े बाबा का आशीर्वाद से ही 3 दिन का प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे से हुआ। अगले साल भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय बड़े बाबा की। लाइव टीवी एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार राजीव आनंद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।